Hello ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are absolutely fine. तो starting करते हैं हम लोग train journey से. तो फिलहाल है हम लोग ऐसे कुछ location में और हम जा रहे हैं दार्जिलिंग. तो इतने दिनों बाद, मतलब करीबन करीब 3 months बाद हमारा vlog आ रहा है channel में. तो यहाँ पे है मेरी बहन रजकता, यहाँ पे मम्मी और पापा भी है हमारे साथ इस बार हमारा मतलब जो ट्रिप हो रहा है वो फैमिली ट्रिप हो रहा है भाई, फैमिली ट्रिप. तो पापा आ जाने के बाद आप लोगों को मिलवाऊंगा. और लाइक बेसिकली क्या हुआ सीन टू सीन, मतलब ये हो गया कि अचानक से प्लान बना हमारा घूमने जाने का, तो इसलिए हम लोग जा रहे घूमने. तो यहाँ पे हमें एक अच्छा सा मिरर मिल गया जहाँ पे थोड़ा बाल बाल देख लेते हैं, थोड़ा हेयर्स वगैरह ठीक कर लेते हैं. और आप लोगों को एक चीज़ दिखाना मैं भूल गया, ये देखो गाइस मेरा जो फ़ोन है ना वो मैंने गलती से तोड़ दिया है भाई. तो चलो अभी आप लोग सिनेमेटिक शॉट्स. जो है बेसिकली मैं फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर नहीं पाता, क्योंकि लास्ट 3 years से जैसे कि मैं गुवाहाटी में हूँ तो पढ़ाई लेके एकदम बिजी. तो 3 साल बाद जाके 4 नंबर साल में जाके लाइक थोड़ा बहुत अभी फ्री हुआ, कॉलेज लाइफ थोड़ा सा खत्म हुआ है तभी मैं अभी लाइक फ्री हूँ. अभी मम्मी पापा के साथ निकला हूँ घूमने के लिए, साथ में मेरी बहन भी है. और बेसिकली एक बात बताना चाहता हूँ इस ब्लॉग में कि अपना मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज जाने के बाद वो रियलाइज होता है. दोस्तों के साथ घूमोगे वो पीस मिलता है, मम्मी पापा के साथ घूमोगे तो बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, बहुत कुछ सीख पाओगे. तो दार्जिलिंग जो है ना लास्ट ईयर भी गए थे, मतलब 2 साल पहले हम गए थे अपने बर्थडे के पहले, अपना मेरा भाई के साथ प्लान बना था हम दार्जिलिंग गए. बट एक जगह हमारा मिस हो गया, वो है खुशी मन. कहाँ है वो आप लोगों को इस बार लेके जाऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा. मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है सेकंड ड्रीम डेस्टिनेशन, वहाँ पे जाना नहीं हुआ. तो इस बार जाएंगे हम लोग अपने फैमिली के साथ. और बहुत प्लान हुआ था अपने दोस्तों से जाने का, मतलब दोस्तों के साथ प्लान बना तो था बट अभी कुछ प्रॉब्लम आ गया तो स्किप करना पड़ा. शायद से वो लोग जाएंगे दिसंबर महीने को बाइक्स वाइक लेके, बट मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मेरा एग्जाम्स रहेगा. तो कोई नहीं, नवंबर को हम लोग जाएंगे अपने, जा रहे हैं नवंबर को हम लोग जा रहे हैं बेसिकली. और अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फैमिली के साथ बहुत मज़े करेंगे. और इस बार का जो ब्लॉग होने वाला है पूरा फैमिली ब्लॉग होने वाला है भाई, पूरा घुमाऊंगा फिराऊंगा, पूरा रो रहेगा बस और कुछ नहीं. फिलहाल बहन क्या कर रहे हो तुम? लूडो खेल रहे हो ना, तो हमें भी लूडो खेलने दो क्या? अकेले अकेले खेल रहे हो? चलो मैं भी लूडो का एक दान मार देता हूँ. 5 मार दिया. चलो अब एक 6 आ जाए. अरे यार 1 आया भाई. चलो अभी बहन और मेरा एक कंपटीशन रहेगा, फिर हम लोग बताएंगे कि कौन जीता कौन नहीं. अभी फिलहाल आप लोग नेक्स्ट आने वाले स्टेशन में मिलते हैं. वैसे हम लोग बेसिकली अभी बोगो क्रॉस कर लिया है. मेरी मैंने अभी कौन सा डांस किया है हमें नहीं पता. वैसे कौन सा डांस था, ये भांगड़ा था या कुछ और था? इंग्लिश हाय हाय. तो बहन शायद से गाना वाना सुन रही है एयरपोर्ट से कि नहीं भगवान जाने. तो फिलहाल हम पंजाबी सॉन्ग सुन रहे हैं मस्त. और ये व्यू तो सही है भाई, बट आप लोगों को मैं एक बात बताऊंगा, लाइक आप लोग अगर सिलचर से अपना गुवाहाटी आओगे, अगर गुवाहाटी अगर सिलचर जाओगे एक व्यू मिलेगा आप लोगों को हाफ लोंग का, वो व्यू तो भाई चकास है. मैं उस टाइप का व्यू देखने के लिए काफ़ी एक्साइट हूँ. तो अभी आ गए हम लोग रंगजुली, तो ग्वालपरा टाउन में और 2-3 स्टेशन के बाद ग्वालपरा मिल जाएगा. ओह व्यू दिया से निकी हाय फिनक फिनक हाय पला के व्यू दिया से व्यू व्यू डांस दिया से. मैं भाभी मैंने दिया प्लान करीम व्यू डांस एटा दिम डेस्टिनेट पिसो डेस्टिनेट आवर पिसो मैं एटा डांस करीम. माने मैं बहुत व्यू करार इच्छा मना मन करी आसे. तो मैं व्यू एटा करीम मैं और मोर लोगर फैमिली जितने भी जनों के आसे, मैं देता मैं मा बंटी लोगत एटा व्यू डांस लागिबो, व्यू डांस करीम. फाइनली अभी आके पहुंच चुके हैं ग्वालपरा स्टेशन. तो ग्वालपरा स्टेशन में ऐसा लाइक 5 to 10 minutes होल्ड करेगा, फिर यहाँ से ट्रेन 5 to 10 minutes बाद छोड़ देगा. और सीट जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही गंदा जगह में मिल गया, मतलब एंट्रेंस में मिल गया यार. बट लाइक टॉयलेट का एंड बाथरूम का मतलब लाइक जो है ना स्मेल वो नहीं मिल रहा है, बट फिर भी सब लोग आने जा रहे हैं, मैं बस खोल रही दरवाज़ा तो माइंड जो है ना वो बस बार बार डिस्ट्रैक्ट हो गया. वैसे सूर्य देवता मेरे ठीक सामने ही है तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई.
और ये जो स्टेशन है काफ़ी बड़ा है जो दिखने को मेरे को लगा यहाँ पे। और हमारा जो डिब्बा है वो पूरा लाल है भाई, लाल। चलो चलो भाई, ट्रेन छूट जाएगा। आ गया भाई, वरना ट्रेन भी छूट जाएगा तो चाप हो जाएगा ना। तो ट्रेन छूटने वाला है तो छूट जाने, तो फिर हम लोग देखेंगे ट्रेन अब तक छूटा नहीं। जल्दी आ गया, अरे छूट गया भाई, छूट गया छूट गया। वो आती वाली टी स्टेट है, वैसे ये जंगल है अभी तक, मतलब वो जो बगान है ना, वो टी स्टेट जो वो अब तक आया नहीं है, तो थोड़ी देर में ही मिल जाएगा टी स्टेट। और यहाँ से आपका एनिमल कॉरिडोर भी है, और ये जो रोड देख रहे हो ना, इस रोड से मैं लास्ट टाइम जब गया था भाई, सच में फट गया था भाई। और यहाँ का जो लोकल्स हम लोग को बोल रहे थे, आप लोग यहाँ पे स्पीड मेंटेन करके जाना, लाइक 60-80 ज़्यादा और स्पीड मत करना। और साथ ही साथ रोड जो है ना, बहुत ऑसम रोड है, बट बात ये कि मतलब लाइक इसमें रात को यहाँ से आना जाना थोड़ा रिक्सी वाला रूट है। मेरे को जितना तक पता है यहाँ से आने वाला जो आने जाने का जो रास्ता है, रात के टाइम में थोड़ा स्पेशली थोड़ा रिक्सी रहता है, वही आती बड़ी टी स्टेट है। तो सामने जाके आप लोगों को टी स्टेट दिखाऊंगा। अपना तो सिलचर का जो टी स्टेट आप लोगों ने दिखा ही होगा, तो हम लोग आपको शिलीगुड़ी का भी टी स्टेट दिखाएंगे, और साथ ही साथ दार्जिलिंग का जो टी स्टेट है वहाँ का तो ऑसम व्यू आता है, आप लोगों को मैं अच्छे से दिखाऊंगा। मेमोरीज है, लाइक हम लोग हाशिमारा में आके फंस चुके थे, हम लोग जंगल जो है ना वो क्रॉस कर रहे थे, करते करते हाशिमारा मिला हमें। और मिलने के बाद लाइक वहाँ पर मेरा स्कूटी हो गया था खराब, रेस्ट लेने के बाद हम लोग गए पेट्रोल पम्प, पेट्रोल फ्यूल अप किया, फिर दार्जिलिंग वाला, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग। तो मैंने बताया था ना कि ब्लॉग के एंड पे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। बेसिकली अभी हम लोग आके पहुँच चुके शिलीगुड़ी, तो शिलीगुड़ी से हम जाएंगे कल दार्जिलिंग, फिर दार्जिलिंग से हम जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, वो कहाँ है आप लोग अगर पता है तो ज़रूर से कमेंट करके बताना। और यहाँ पे आने के बाद, शिलीगुड़ी आने के बाद मेरा जो पुराना मेमोरीज फ्लैशबैक हो गया, मतलब मैं बहुत सब जगह में जहाँ पे मैं घूमने गया था, वो सब चीज़ पूरा जो मतलब मेमोरीज है ना, पूरा ताज़ा हो गया। और शाम को हम लोग निकलेंगे कहीं पे, निकल के जाएंगे हॉन्गकॉन्ग मार्केट, और जाके आप लोग को दिखाएंगे, थोड़ा मार्केटिंग वगैरह करेंगे तो करेंगे, अदरवाइज थोड़ा घूम फिर के आएंगे और आप लोग को घुमाएंगे। अलग टायर्ड हो गया क्या मम्मी? टायर्ड हो गई थोड़ी, मम्मी ऑल पॉल पर टायर्ड है कैसे, बट आई एम लाइक मेरे को टायर्ड बिल्कुल ही नहीं हुआ है। ये पापा आ जाने तो फिर मैं भी फ्रेश हो जाऊंगा, फ्रेश होने के बाद निकल जाएंगे। 20 मिनट्स लेटर, निकले थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए मार्केट। तो हम लोग बेसिकली जो होटल में स्टे कर रहे हैं, उस होटल का नाम है ब्लू स्काई रेसिडेंसी। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे, ये आपका पूरा मार्केट है। तो यहाँ से MG जो क्या, यहाँ से जो आपका जो मार्केट है हॉन्गकॉन्ग मार्केट, वॉकिंग डिस्टेंस में गिरता है, 5 मिनट्स के डिस्टेंस में गिरता है। तो चलो चलते हैं, जाके आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी आके हम लोग पहुँच चुके हैं हॉन्गकॉन्ग मार्केट, तो यहीं से मतलब एंट्रेंस शुरू होता है, और बाज़ार पूरा यहाँ से लग जाता है पूरा अच्छी तरह से। तो एक्सप्लोर करते आप लोग भी दिखाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर मतलब कपड़ा वपड़ा का ज़्यादा दुकान है मेरे को, यही दिख रहा है ठंडे का ज़्यादा। अगर मैंने देखा कि कपड़ा वपड़ा का बहुत अच्छा अच्छा आइटम्स वगैरह है, चलो देखते हैं कुछ अगर लेने। बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ,
चलिए फटाफट सो जाऊँगा क्योंकि कल सुबह 8 से 8:30 बजे के अंदर हमें निकलना है दार्जिलिंग। और फिलहाल अभी मम्मी सो चुकी है, बहन भी सो चुकी है, अभी पापा के साथ थोड़ा बातचीत करूँगा, फिर लाइक मैं भी सो जाऊँगा। और आज जिस रेस्टोरेंट में जाके खाया था वो मतलब इतना टेस्टी था, खतरनाक वाला टेस्टी था। मैं वो लोकेशन आप लोगों को पिन कर दूंगा आपका, वो सिलीगुड़ी मेन टाउन में हिल का कुछ करके लोकेशन है, गुप्ता रेस्टोरेंट हिल का रूट, तो मैं लोकेशन आप लोगों को पिन कर दूंगा, आप लोग ज़रूर जाइएगा। अगर आप सिलीगुड़ी से हो या फिर सिलीगुड़ी आते हो तो उस रेस्टोरेंट में एक बार जाके ज़रूर से ट्राई कीजिए। इतना टेस्टी था क्या ही बताऊँ, मतलब इतना टेस्टी था मैंने कभी सिलचर में तो नहीं खाया स्पेशली, और गुवाहाटी में तो बिल्कुल नहीं भाई, इतना टेस्टी था। वो कोई स्पॉन्सर नहीं है बट मैं अपना दिल से बोल रहा हूँ। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, टिल देन राइट शिफ्ट साइनिंग ऑफ, बाय बाय गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, सी यू सून।